नमस्कार, मैं हूं मानवी कांबोज और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। दुनिया में माँ को भगवान से बड़ा दर्जा दिया जाता है। माँ वो शब्द है जिसकी ममता के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। एक माँ अपनी औलाद को खतरे से महफूज रखने के लिए कुछ भी कर सकती है। इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़े तो अपनी जान पर खेल कर भी अपनी औलाद को महफूज रख सकती है। लेकिन मेरठ में अपनी संतान को खतरे से बचाने के लिए एक मां ने ऐसा कदम उठाया कि सब सुनकर सकते में आ गए। दरअसल थाना परतापुर क्षेत्र के बजोट गांव निवासी महिला का 2 साल पहले दूसरा विवाह हुआ था। विवाह के कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बीती 13 तारीख को कुछ अनजान बदमाशों ने उसके पति को गोली मार दी। पति के पीठ में गोली घुसकर पेट के पार हो गई और आनन फानन में घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला न्याय की गुहार लगाते हुए थाना पुलिस के पास पहुंची और पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया। लेकिन इस घटना के बाद महिला के दिल में इतनी दहशत बैठ गई कि वो अपनी औलाद को महफूज रखने के लिए उन्हें अनाथालय सौंप आई। महिला का कहना है कि उसके 2 बच्चों में से एक बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उन्हीं के जीवन की सुरक्षा के लिए उसे अपने दोनों बच्चों को अनाथालय में सौंपना पड़ा, क्योंकि अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसके बच्चे को कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल सकेगी। महिला ने बताया कि उसके पति पर अज्ञात लोगों ने हमला किया था, जिसकी रिपोर्ट थाने में भी दर्ज करा चुकी है, लेकिन अभी तक इस घटना पर अंजाम देने वाले बदमाशों को गिरफ्तार नहीं किया गया। वहीं इस मामले में SPCT वीतन भटनागर का कहना है कि मामले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों की तलाश जारी है। नाम है आपका? आज यहाँ आप अनाथ आश्रम आए, किस लिए आए हैं, क्या पूरा मामला है बताएं। बस मेरे को अपनी सेफ्टी नहीं लग रही है, अब मैं अपने दोनों बच्चों को छोड़ना चाहती हूँ यहाँ पे, ताकि मेरे बच्चे सेफ तरीके से जी सके। किससे खतरा आपको, क्या पूरा मामला है ये बताइए। खतरे मेरे को 2-3 लोगों से, मैंने पुलिस को बता दिया, जनरली मैं बता नहीं सकती क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं देख सकते हैं, पर मुझको जो खतरा है वो जाता है, मेरे बच्चों की लाइफ का बहुत खतरा है। मेरा खाली बच्चा अनाथाश्रम में शिफ्ट हो जाएंगे, मैं अपने बच्चों को देख तो सकूंगी। क्यों करना चाहते हैं आप अपने बच्चों को अनाथाश्रम में शिफ्ट, ऐसा क्या हो गया है? मेरे घर पे पहले भी 2 बार 3 राउंड फायरिंग हो चुका है। अभी मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी करी है, मैंने अभी 2 साल पहले उनके ऊपर अभी हमला हुआ है, 32 टांके के लगे, कमर में से गोली निकल के पेट में रही है। SN हॉस्पिटल में एडमिट थे, परसों ICU से छुट्टी मिली है। अब हम कहाँ से कोई प्रूफ दें, प्रूफ नहीं है। पुलिस तहकीकात करे, हमको पता थी किस पे डाउट है, किस पे डाउट है। डाउट वालों को तुम कुछ नहीं कर सकते। आप थाने गए थे इस मामले को लेकर? मैं थाने जा चुकी हूँ। क्या क्या कौन सा थाना लगता है? जहाँ पे फायरिंग हुई है उसमें लगता है, इसमें परतापुर में। कब हुई थी फायरिंग? 13 तारीख की रात को। तो अभी तक आपको कोई इंसाफ नहीं मिल पाया है? अभी तो मैं इंसाफ के लिए भाग भी नहीं पाई, अभी बड़ी मुश्किलों से छुट्टी करा के घर पे लाई हूँ। हॉस्पिटल वालों ने 1,90,000 का बिल बैठा दिया, तो मैंने जैसे तैसे करके 90,000 में पीछे छुड़ा है। क्या उम्र है आपके बच्चों की? 1 की 7 साल है, 1 की 9 साल है। आप अपने दोनों बच्चों को अनाथ आश्रम, एक माँ के बच्चों को छोड़ना चाहते हैं? जिंदा रहेंगे तो देख तो लूंगी, कल उठ के मेरे को कुछ हो जाता है, मेरा कोई भी इस कैपेसिटी का नहीं है कि इनको रोटी भी खिला सके या अपने पास रख भी सके। कम से कम इनको 2 रोटी तो मिलेगी। मेरा एक बच्चा है वो मेंटली चैलेंज है, बोल भी नहीं सकता है, अरमान नाम है, कम से कम उसको 2 रोटी मिलती तो रहेंगे। सब उनसे ये तो नहीं रहेगा कि कहाँ धक्के खाएंगे। मैं खुद राजकीय उत्तर सगरे महिला मोती नगर नकलों में पली हुई हूँ। महिला का आरोप है कि उसको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, इस कारण से वो अपने बच्चों को लेकर अनाथ आश्रम के चक्कर लगा रही है। क्या पूरा मामला किस थाने का? देखिए, आपने अभी मुझको वीडियो दिखाया और इसकी वस्तुस्थिति मैं आपको बताऊंगा कि कुछ दिन पूर्व एक अभियोग धारा 307 ICC का बनाम अज्ञात संचित किया गया है। एक व्यक्ति बजोट के पास में, उनको उनका कहना था कि रात्रि में लगभग 10 बजे के आसपास वो कहीं घर से बाहर जा रहे थे, तो पीछे से कुछ लोगों ने इनको उन पर फायर किया और गोली मारी उनको। ये व्यक्ति, इनका इलाज कराया गया, खतरे से बाहर है। अभियोग उसी समय पंजीकृत कर दिया गया था, बनाम अज्ञात है, तो इसमें पुलिस इसकी गंभीरता को समझ रही है और जल्दी इस केस का अनावरण करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक इस महिला के सशंकित होने की बात है, उस बारे में आपसे स्पष्ट कहूँगा कि इसमें थानाध्यक्ष SSI विवेचक लगातार उनके संपर्क में है। इन्होंने क्यों ऐसा ये वाली बात कही, ये तो मैं नहीं कह सकता,
लेकिन इतना मैं जरूर पुलिस की तरफ से कहूँगा कि इसमें उनको पूरी तरीके से ढांढस बताया गया है, पुलिस वहाँ पे लगातार उनसे मिलती है और जल्दी से जल्दी इस घटना का हम अनावरण करेंगे, इस बात का विश्वास उनको भी दिलाया गया है।